नमस्कार दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सेशन में फिर से आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी, और मैं हूं विकास पाठक। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के काफी कम प्रश्न। यहाँ पे हमने 11 प्रश्न लिया है, लेकिन डेफिनेटली ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली, क्योंकि पूरी सिलेबस के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आप पूछोगे सर क्या आर एस कुर्मी से बनाया है? बिल्कुल भी आर एस कुर्मी से मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, और काफी इम्पोर्टेंट सोच समझ के मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें हमने पास्कल लॉ को जानना है, इसमें बर्नौली इक्वेशन है, तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी है। यहाँ पे हम एमसीक्यूज के मदद से काफी इंपॉर्टेंट सेशन को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और डेफिनेटली जब एग्जाम से आप निकल के आएंगे तो आपको लगेगा नहीं हमने कुछ कंटेंट यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे सबसे जो पहला सवाल है, इसके पहले पार्ट वन वीडियो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का बनाया हुआ था। दिस इज पार्ट टू वीडियो ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला फॉर कैपिलिटी एसिड। तो फॉर्मूला क्या होगी कैपिलिटीज के, आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस अल्फा बाई डब्ल्यू डी। यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, और स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यदि हम लोग बात करें इसकी यूनिट की, तो वेट का होता है न्यूटन और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट, राइट। और यदि हम लोग बात करें इसके आगे की फॉर्मूला की, क्योंकि स्पेसिफिक वेट का और एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वेट को आप लिख सकते हो एम इंटू जी, क्योंकि वेट का फॉर्मूला ही होता है एम जी, आपको पता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड वॉल्यूम के लिए वी आप नीचे लिखिए, तो दिस विल बी एम बाई वी इंटू जी। फाइनली वी कैन गेट हियर दैट एम बाई वी इज इक्वल टू डेंसिटी। जो मास बाई वॉल्यूम होती है वो किसकी फॉर्मूला होती है, डेफिनेटली डेंसिटी की होती है, घनत्व की होती है। तो डेंसिटी आप देख सकते हैं इसके जगह पे, और इंटू कर दीजिएगा जी, तो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू हो जाएगी रो इंटू जी, ठीक है। तो रो जी भी आप लिख सकते हो, तो ये आप काफी जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन चीजों को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, यदि ये फॉर्मूला को आगे लिखना हो तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, 4 सिग्मा कॉस अल्फा बाय इसके स्पेसिफिक वेट के जगह में डब्ल्यू के जगह में आप रो जी लिखेंगे, इंटू जी रो जी डी। तो ये भी हो सकता है ऑप्शन में दे दें, तो काफी क्लियरली आपको पढ़ाई करनी है। चलिए अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे डी है, ये डी क्या है, तो दिस इज द डायमीटर ऑफ कैपिलरी कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है मैं आगे दिखाऊंगा। और सिग्मा क्या है, यहाँ पे सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड उसमें हम लोग यूज करेंगे। जैसे चलो दिखाई देता हूँ, सबसे पहले आप ये पाइप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए कोई ऐसे कंटेनर में रखे हैं, और इस तरह से पाइप यहाँ पे रखेंगे आप, तो इस पाइप में लिक्विड ऊपर की ओर इस तरह से फ्लो करेगी, ठीक है, ऊपर की ओर मूव करेगी। और ये जो हाइट यहाँ पे आएगी, उसी हाइट से हम लोग यहाँ पे कैपिलरी निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया है, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल वर्टिकल ट्यूब हेल्ड इन अ लिक्विड रिलेटेड टू जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको कंटेनर लेना है, ऊपर में एक पाइप डाल देना, बस इसमें लिक्विड ऊपर में आएगी, जितनी आएगी उसकी हाइट कितनी है वही कैपिलरी है, और उसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है 4 सिग्मा कॉस अल्फा डब्ल्यू डी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चल ही देते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने के पहले, ऑप्शन जाने के पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच लिक्विड अंडरगो अ चेंज इन वॉल्यूम विद अ चेंज इन प्रेशर, ठीक है। किसी भी लिक्विड में आप यदि प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको पता है कि उसमें उसकी वॉल्यूम जो है चेंज होगी। आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम घटेगी, ठीक है, ऊपर से प्रेस कर दोगे वॉल्यूम घटेगी, और आप छोड़ दोगे रिलीज कर दोगे तो प्रेशर बढ़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। The compressibility is the reciprocal of bulk modulus of elasticity. हम इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में जानेंगे, मगर इतना तो हम बता देते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ मतलब उल्टा होता है बल्क मॉड्यूलस का, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है उसका ये उल्टा होता है, ठीक है। अब पूछोगे सर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, तो याद रखिएगा इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है, मतलब कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, ठीक है। वाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि आप यदि कंप्रेस कर रहे हो तो डेफिनेटली इसकी वॉल्यूम घटेगी, ठीक
ठीक है, तो जो घटती है वॉल्यूम, ठीक है, तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब समझिए, स्ट्रेन नॉर्मली यदि हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे तो बोलेंगे, यदि हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहे हैं इसका मतलब यह है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब हम लोग बोलते हैं डेल वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब वी। बहुत सिंपल सा समझिए, मतलब कि आपके पास कोई भी सामान है, ठीक है, आप उसका प्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, कितना वॉल्यूम घट रहा है बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, बस डिवाइड कर दीजिए, बस वही निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे बताई है कि कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सिर्फ इसको समझना है, और जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लूड से सवाल आएंगे आपके सिलेबस में, ठीक है, लिखा हुआ है स्पेशली टाइप्स ऑफ फ्लूड। तो फ्लूड जो है आप यहाँ पे पांच तरह से डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, और भी तरीके हैं मगर बेसिकली आपके हिसाब से पांच तरीके काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आइडियल फ्लूड, दूसरा है रियल, तीसरा है न्यूट्राइन, और चौथा है नॉन न्यूट्राइन, और पांचवा है आइडियल प्लास्टिक। अब एक एक करके समझते हैं उससे क्या न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, क्या मतलब एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं उसको करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडियल फ्लूड हैज, आइडियल फ्लूड की क्या होती है? देखिए आइडियल फ्लूड एक ऐसी फ्लूड होती है जो होती ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, ये प्रैक्टिकली होती नहीं है, बस हम कंसिडर करते हैं शायद ऐसी कोई फ्लूड होती तो कैसी होती। इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होता, विस्कोसिटी हमने कल डिस्कस किया था, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब ऐसे लिक्विड, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिक्विड के लेयर्स के बीच, मतलब लिक्विड है ना यहाँ पे, तो लिक्विड के आपस के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है, मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को आगे बढ़ने नहीं देता है इसी विस्कोसिटी के कारण, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे पूछा है, देखिए आइडियल फ्लूड की कोई विस्कोसिटी होती ही नहीं है, पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल है, ठीक है, मगर आइडियल फ्लूड के लिए ऐसा पॉसिबल है। दूसरा इनकम्प्रेसिबल होती है, लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी हालांकि पॉसिबल नहीं है बट आइडियल फ्लूड में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसी फ्लूड जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती और इनकम्प्रेसिबल होती है उसे हम आइडियल फ्लूड कहते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए आइडियल फ्लूड जिसे हम कहते हैं सुपर फ्लूडिटी, मतलब ऐसे फ्लूडिटी जो सुपर टाइप की हो, ठीक है, इज अ फ्लूड विद नो रेजिस्टेंस टू सीयर स्ट्रेस, मतलब सीयर स्ट्रेस का कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं। हमने कल बताया था, ठीक है, हमने क्या बताया था कि एक लिक्विड है इस तरह से, मान लीजिए, ठीक है, फ्लो कर रही है, तो हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, DUY DY यहाँ पे हमने कर दिया था, और यहाँ पे Y लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, U, नीचे वाला जो है U है यहाँ पे, और हमने लिखा था U+DU, मतलब कि मान लीजिए एक नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, तो नदी में पानी जो बहेगा तो जो जमीन से सटा हुआ है उसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि इसके अंदर में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जमीन ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, मगर लिक्विड और लिक्विड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम होता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जब जाएंगे तो ऊपर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इससे हमने कल एक निकाला था और वहां पे हमने बताया था DU/DY, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या हम इसे सीयर स्ट्रेन कहेंगे, सीयर स्ट्रेन, ठीक है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, तो हमारा कहाँ पे था कि ऐसे फ्लूड जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है सीयर स्ट्रेस के प्रति, ठीक है, मतलब आप सीयर स्ट्रेस लगाओगे लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे बोथ एंड बी हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ दिखाया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, मतलब सीयर स्ट्रेन है ये, और ये है सीयर स्ट्रेस। देखिए सबसे पहले हमने बात करना है न्यूटाइन फ्लूड की, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूड हमने देखा कि न्यूटाइन होती है, न्यूटाइन होती है, आइडियल प्लास्टिक होती है, आइडियल फ्लूड होती है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, और ये आइडियल सॉलिड होगी। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें आइडियल फ्लूड की, तो आइडियल फ्लूड में क्या नहीं है, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ जो इधर जा रहा है ना, ये दिखा रहा है आइडियल फ्लूड को, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट तो होगा क्योंकि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को शो कर रहा है, मगर इसमें सीयर स्ट्रेस नहीं होगा। तो हमने अभी यही बताया था, देखिए ऊपर में, कि आइडियल फ्लूड एक ऐसी फ्लूड होती है जिसमें नो रेजिस्टेंस और सीयर स्ट्रेस होती है, समझ गए बात। तो वही है यहाँ पे ग्राफ से मैंने दिखाया है, तो ग्राफ हो सकता है ग्राफिकल क्वेश्चन दे दे, तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि पहचानिए कि इसमें नॉन न्यूटोनियन का कौन सा है, न्यूटोनियन का कौन सा है। न्यूटोनियन का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, ठीक है, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग यदि बात करें शॉर्ट में,
यहीं पे बता देता हूँ कि न्यूटाइल फ्लूड का मतलब ऐसी फ्लूड जो सीयर जो लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो है फॉलो करती है। और लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है, ये कहती है कि सीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीयर स्ट्रेन। ठीक है, ये यदि ऐसा हो रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहे हो सीयर स्ट्रेस, और उसी के हिसाब से उसी के रेशियो में यदि स्ट्रेन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो कहेंगे हम उसको कहते हैं न्यूटाइल फ्लूड। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, और ये जीरो से बढ़ रही है ये भी ध्यान रखिए आप। मगर आइडियल प्लास्टिक जो होगी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये आइडियल प्लास्टिक इस तरह से बनाती है, मतलब कि आइडियल प्लास्टिक ऐसी होगी जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीयर स्ट्रेस पहले से ही दिखेगा। ठीक है, तो इन चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नन न्यूट्रिएंट का तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि सीयर स्ट्रेस ही डायरेक्टली बोलो तो सीयर स्ट्रेस को फॉलो नहीं कर रहा है। और आइडियल सॉलिड एक ऐसी जो है होती है फ्लूड जिसमें क्या होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी का इसका मतलब कि कोई भी वैसा वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, इसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं आइडियल सॉलिड। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रियल फ्लूड क्या होता है, रियल फ्लूड किसे कहते हैं? तो रियल फ्लूड ऐसे फ्लूड को कहते हैं, ऑप्शन ए और बी, जिसमें विस्कोसिटी भी होती है मतलब लिक्विड फ्रिक्शन भी होती है, और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है मतलब कंप्रेसिबल होता है। तो रियल का मतलब क्या है, जो आप लाइट में देख रहे हैं सभी चीज। ठीक है, जैसे आप वाटर देख रहे हैं, पेट्रोल देख रहे हैं, केरोसिन देख रहे हैं, ये सारे रियल फ्लूड के एग्जाम्पल जितने भी आप देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यूट्राइल फ्लूड क्या होता है। तो रियल फ्लूड होता है, ये न्यूट्राइल फ्लूड क्या है, एक रियल फ्लूड है, मतलब ये होता है, एग्जिस्ट करता है, पहली चीज। दूसरी, फॉर न्यूट्राइल फ्लूड सीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी हमने कहा था कि न्यूट्राइल फ्लूड ऐसी फ्लूड होती है जिसमें सीयर स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DU/DY, हमने कल दिखाया था यहाँ। ठीक है, तो ये यदि हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है ये इस तरह से दिखा दे, लिखे नहीं, हो सकता है इस तरह से लिख दे। तो याद रखिएगा यदि इस तरह से इसके जगह में लिखा हुआ होता है, एक ही बात होती। ठीक है, तीसरा है ओबेन नेन सॉरी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले नॉन न्यूट्राइल फ्लूड की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे ब्लड है हमारा, ठीक है, ग्रीस है, शुगर है, सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन जो होता है, ये सारा नॉन न्यूट्राइल फ्लूड का एग्जाम्पल है। और न्यूट्राइल फ्लूड का एग्जाम्पल आप यदि देखें तो एयर हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इमल्सन हो गया, किरोसिन हो गया, ये सारा आप नन ये जो है न्यूट्राइल फ्लूड का एग्जाम्पल हो गया। फिर से मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि ये न्यूट्राइल जो फ्लूड हमने देखा ये क्या है, रियल फ्लूड है। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, दिस इज अ रियल फ्लूड। ठीक है, नॉन न्यूट्राइल फ्लूड भी एक रियल फ्लूड ही होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाटर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो एक रियल फ्लूड हुआ, वो फ्लूड है, इसका मतलब रियल है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है? पहला ऑप्शन, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी? दूसरा ऑप्शन, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या डिक्रीज करेगी विस्कोसिटी? देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है वो घटती है। ठीक है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी लिक्विड के केस में, क्योंकि लिक्विड में जब भी विस्कोसिटी होती है वो कोहेशन के कारण होती है। ठीक है, कोहेशन के कारण होती है, कोहेसिव फोर्स के कारण, मतलब कोहेसिव फोर्स का मतलब है कि आपस में इस तरह से, कोहेसिव फोर्स मतलब आपस में एक तरह से चिपकने की प्रक्रिया। ठीक है, तो वो होती है। ठीक है, तो ये इसके कारण जो है जब भी आप गर्म करोगे तो ये आपस में दूर दूर हो जाएगा, मतलब कि इसमें विस्कोसिटी काफी घट जाएगी, सरफेस टेंशन जनरली इसकी घट जाती है। ठीक है, गर्म करने से। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे विस्कोसिटी ऑफ एयर की। एयर में क्या होता है, एयर में मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी काफी बढ़ जाती है जब आप गर्म करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये बहुत जो तेजी से ये क्या करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब आपस में घर्षण करना, फ्रिक्शन करना ज्यादा स्टार्ट करेगी, क्योंकि ये आपस में काफी गतिमान मतलब काफी वेलोसिटी इसमें आ जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करें आइडियल प्लास्टिक फ्लूड की। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूड क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज को समझेंगे। आइडियल अ फ्लूड इन विच सीयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू। ठीक है, एंड सीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूड ऐसे फ्लूड को कहते हैं जिसमें सीयर स्ट्रेस जो होता है वो ज्यादा होता है यील्ड वैल्यू से। ठीक है, तो यील्ड वैल्यू को भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। अभी यदि हम मैं समझाना बैठ जाऊं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, इसलिए धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक
ठीक है, तो हमें याद रखना है कि शियर स्ट्रेस जो है इसमें ज्यादा होता है यील्ड वैल्यू से, एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वाटर सस्पेंशन ऑफ क्ले एंड फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश का मतलब होता है कि कोयला जलाने के बाद जो छाई बचता है, मतलब राख जो होता है ना वो, और क्ले का मतलब मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी और राख जो होता है उसका सस्पेंशन जो होता है, उसका जो घोल होता है, वो एक एग्जाम्पल है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का। नेक्स्ट है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को क्या कहते हैं, बिंघम लिक्विड भी, हम लोग बिंघम फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, कमेंट में आंसर करिएगा, मैं हालांकि जवाब दे दूंगा कमेंट में ही जो सही जवाब करेंगे। टूथपेस्ट एक कैसा एग्जाम्पल है, किस तरह का फ्लूइड है, हो सकता है आपके सवाल आ जाए एग्जाम में, तो आप कमेंट में आंसर करिएगा, मैं जवाब कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, कमेंट को देख लीजिएगा और आप पहले जवाब देने की कोशिश करेंगे। पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ जो है स्टैटिक फ्लूइड के लिए यूज होता है, मतलब कि स्टैटिक का मतलब कोई भी, जैसे टंकी में ऊपर में आपका जो पानी जो आ रहा है, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे स्टैटिक हो, मतलब स्थिर हो, जैसे तालाब एक तरह से बोल सकते हैं, काफी हद तक स्टैटिक है। ठीक है, मगर नदी जब हम लोग बोलेंगे तो वो होगी डायनेमिक, काइनेटिक। ठीक है, उसमें क्या होती है, वो बहती है, फ्लूड बह रही है। ठीक है, तो जब बह रही है तो वहां पे हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, मगर जब स्टैटिक होगी तो हम लोग एक तो पास्कल लॉ लगाएंगे, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाएंगे, जिसके चर्चा आगे हम लोग करेंगे। पहले हम लोग पास्कल लॉ को समझते हैं। मान लीजिए ये एक कोई भी लिक्विड है जिस किसी कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि एक पॉइंट के अबाउट, ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट जो यहाँ पे प्रेशर फोर्स होती है वो क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसे कहते हैं पास्कल लॉ। तो यहाँ पे हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो रेस्ट में जो होती है क्या होती है, तो बिल्कुल सेम होती है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द ऑल डायरेक्शन, इसे कहते हैं पास्कल लॉ। ठीक है, यदि सेम नहीं होती तो क्या होती। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया, ध्यान से पढ़िए, प्रेशर जो होता है वो एक पॉइंट में सेम होता है। ठीक है, यदि सेम नहीं होती तो डेफिनेटली ये लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करती है। मान लीजिए ये प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता, यहाँ पे कम प्रेशर होता, तो क्या होता, ये लिक्विड इस पे प्रेशर लगाती। ठीक है, समझ रहे बात, जब आपस में प्रेशर अलग अलग हो, जैसे आप में आप ज्यादा बलशाली है, कोई दूसरा बलशाली कम है, दोनों में आप क्या है, धक्का मुक्की हो सकती है। ठीक है, और यदि मान लीजिए दो बैलेंस फोर्स है, मतलब इधर से भी 20 न्यूटन लगाया जा रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, स्थिर रहेगा, बिल्कुल स्टैटिक रहेगा। वही चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पास्कल लॉ स्टैटिक फील्ड में हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है ना कि ये आपस में जो प्रेशर है सभी एक पॉइंट का अबाउट बिल्कुल सेम होती है, यही कहना है पास्कल लॉ का। ठीक है, तो एक पॉइंट का अबाउट होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहती है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो निकल के आता है पी इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, पी मतलब प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल आपके पूछे भी जा सकते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, अब रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है उसे कहते हैं रो। दूसरा जी का मतलब जो है आपको सब आता है, 9.8 जो होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच का मतलब होता है डेप्थ, एच का मतलब क्या होता है, डेप्थ, ध्यान रखिएगा, डेप्थ में बोल रहा हूँ। डेप्थ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक टंकी है, टंकी में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा एक काम करो आप कि इसका प्रेशर निकालो, कैसे निकालोगे पता है आपको, पहले हम इसका सीजी निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए मैं बोल दूं कि फ्री सरफेस, दिस इज द, इसको कहते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फ्री सरफेस। अब मान लीजिए यहां से यहां तक 2 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक हमने कहा, यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर है, मतलब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक 2 मीटर है। अब आप प्रेशर कैसे निकालोगे, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, मतलब कि रो हमें पता होना चाहिए उस फ्लूड का। ठीक है, यहाँ पे रो जी, रो पता होगा हमका, और जी 9.8 कर देंगे, और एच की वैल्यू जो भी होगी, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे, और यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या, इस तरह से हम निकालते हैं प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गई, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, स्टैटिक का मतलब स्थिर, मतलब ये स्थिर जल में काम करेगा, ये याद रखिए, हाइड्रोस्टैटिक लॉ इज यूजफुल इन इन स्टैटिक फ्लूड। ठीक है, स्टैटिक फ्लूड में यूज होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे P इक्वल टू रो जी एच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है काम करती है, मतलब जितना ज्यादा डेप्थ होगा, एच का मतलब डेप्थ,
एच ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा, मतलब आप नीचे जमीन मतलब कि पानी के अंदर जितना अंदर जाओगे, जितना नीचे गहराई में जाओगे, प्रेशर आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा लगेगी। जितना ऊपर रहोगे प्रेशर कम लगेगी, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं जितना ज्यादा लगोगे तो एच की जो वैल्यू है, डेप्थ की वैल्यू है, वो बढ़ती जाएगी। 2 से 4 होगी, फिर 5 होगी, 6 होगी, समझ रहे? तो इस तरह से प्रेशर बढ़ जाएगी। तो यही कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ। नेक्स्ट है, इफ द फ्लो इज अज्यूम टू बी आइडियल, विस्कस फोर्स इज जीरो एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नोन एज। देखिए, यदि फ्लो आइडियल है और विस्कस फोर्स भी जीरो है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या है ये, काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, ठीक है? चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, आखिर होता क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। हमारे न्यूटन बाबा, जी हाँ, यहाँ पे भी न्यूटन बाबा आएंगे। और वो न्यूटन बाबा क्या थे कि उन्होंने कहा था एफ इक्वल टू एम ए होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। जनरल साइंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में समझेंगे। हालांकि मैं बता दूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहती है एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ की फॉर्मूला सेकेंड लॉ देती है, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए का काम है हमारा, तो वही चीज यहाँ पे हम लेंगे। अब देखिए, एक फ्लूड में कौन कौन सी फोर्स काम करेगी? एक तो ग्रेविटी फोर्स काम करेगी, क्योंकि एक फ्लूड है तो वो ग्रेविटी के अंदर है, मतलब हमारी धरती माता उसे जो है खींच रही है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो एक तो ग्रेविटी काम करेगी, एम जी, ठीक है? जिसे हम एफ जी हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे। ये एफ जी जो है वो एम जी के बराबर होगी, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। दूसरा है प्रेशर फोर्स काम करेगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी काम करेगा, क्योंकि फ्लूड में फ्रिक्शन होगा तो वो काम करेगा। फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब है, मान लीजिए लिक्विड में, लिक्विड जो लिक्विड है वो बहुत कूद फांद रहा है, मतलब कि काफी वेलोसिटी से ऐसे 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 मतलब वेव वगैरह बना रहा है, तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंस, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फिर से जानेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होती है, ठीक है? तो और एक दो वीडियो बनेगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस आपका। तो फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, उसके बाद तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है फ्लूड की फ्लो। तो इससे एक इक्वेशन आता है निकल के, और नेट फोर्स क्या होती है, मतलब टोटल फोर्स जो है, यही 5 प्रकार का फोर्स लगा, तो जितना फोर्स है सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो टर्बुलेंस का मतलब एफ टी हो गया, ठीक है? विस्कोसिटी का मतलब एफ बी हो गया, उसके बाद प्रेशर का मतलब एफ पी, ग्रेविटी का मतलब एफ जी, और फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी का मतलब एफ सी। तो सबको ऐड करिएगा तो ये आएगा, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ही हमारा खेल स्टार्ट होता है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन तब निकलता है जब क्या होता है, देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे साफ लिखा गया इफ द मोशन ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी यदि 0 हो जाए, ठीक है? कंप्रेसिबल हम माने कि एक फ्लूड है जो कंप्रेसिबल है ही नहीं, 0 है, उसके कारण ये तो फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है, एफ जी इज 0, ठीक है? ये वाला 0 हो जाए, ये वाला लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला को हटा दीजिएगा। लास्ट वालों के क्या करिएगा, ये वाला जो है एफ जी एक्स वो हटा दीजिएगा, और बाकी 4 बचेगा, एफ पी प्लस एफ वी एक्स प्लस एफ टी एक्स प्लस एफ सी एक्स। तो ये जो 4 का कैलकुलेशन होगा उसे ही हम कहेंगे रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ गए बात? उसके बाद दूसरी, तो आपको दिमाग में ये रखनी है चीज सिर्फ कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन कब काम करते हैं, जब कंप्रेसिव जो है जो होता है वो 0 होता है, कंप्रेसिविटी 0 हो जाए तब ये काम करेगा। दूसरा, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कब काम करेगा, जब आपकी एफटी जो है नेग्लिजिबल होगी, मतलब टर्बुलेंस जो है वो नहीं होगी, मतलब लिक्विड एक सीधा साधा होगा, मतलब सीधा साधा बच्चा होगा वो, ठीक है? बदमाश बच्चा नहीं होगा, तो इस तरह से तब जो है वो नेवियर स्टोक इक्वेशन काम करेगा। उसके बाद यूलर इक्वेशन हमने बताया था अभी कि जब एफ बी इक्वल टू 0 होगी, मतलब विस्कस फोर्स जब 0 हो जाए, उस कंडीशन में आपकी यूलर इक्वेशन जो है उस मोशन को कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आगे हम लोग देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बर्नौली इक्वेशन, ठीक है? बर्नौली इक्वेशन में क्या है, बर्नौली थ्योरम जो है ये काम करता है डायनेमिक फ्लूइड में। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डायनेमिक फ्लूइड मतलब कि एक फ्लूइड यदि बह रही है, जैसे पाइप में बह रही है, पानी में, मान लीजिए कोई नदी में बह रही है, तो इस तरह में जब बहेगी तो उसमें बर्नौली इक्वेशन काम आएगा, उसमें पास्कल लॉ या हाइड्रोस्टैटिक लॉ काम नहीं करेगा। क्या कहता है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन बस आपको इतना सा पढ़ना है, ठीक है? पी बाई रो जी, देखिए ये दिस इज स्पेसिफिक वेट, डब्ल्यू का मतलब स्पेसिफिक वेट, ठीक है? तो यहाँ पे पी बाई रो जी इसको लिख सकते हैं, प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है? और प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है? ये है बर्नौली इक्वेशन। इसमें क्या देखिए, पी वाई रोजी को बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक पाइप है, इसमें क्या होती है कि पाइप
पानी बह रहा है, मान लीजिए पानी बह रहा है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, पानी में यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रेशर है, तो पी बाई रो जी। तो ये एक एनर्जी है। एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन कहता है कि दिस इज एक्चुअली, मैं बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काम करता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कहता है कि टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। मतलब कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी, तो सबसे पहला जो एनर्जी होगा वो प्रेशर हेड होगा, मतलब पी बाय रो जी होगा, ठीक है, तो वो प्रेशर के कारण होता है। दूसरा होगा वी स्क्वायर बाय टू जी, मतलब वेलोसिटी के कारण जो प्रेशर होता है, मतलब कि फ्लूड का, मतलब कि एक पानी वाली जो बह रहा है तो उसमें एक वेलोसिटी होगी, तो उसके कारण जो हेड होगा उसे कहते हैं वी स्क्वायर बाय टू जी। तीसरा है जेड। जेड का मतलब क्या हुआ, जेड का मतलब हुआ कि ये जो लिक्विड बह रही है, ये डेटम लाइन हम लोग लेते हैं कि जीरो से कितनी इसकी हाइट है, ठीक है, तो उसे कहते हैं, हम कहते हैं जेड, ठीक है। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ये जो जेड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है पोटेंशियल हेड, ये जेड को बोलेंगे पोटेंशियल हेड, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दिस इज पोटेंशियल हेड, जिसे हम डेटम एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल हेड है, ठीक है, पोटेंशियल हेड या पोटेंशियल एनर्जी जो भी बोलिए, ठीक है। और वी स्क्वायर बाय टू जी को कहते हैं काइनेटिक हेड या काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला जो है ये है प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड, ठीक है। तो प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट होती है, मतलब कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं कि कंजर्व रहती है, ये कभी बदलती नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।